दीदी ला दिए थे काजू और किशमिश, वही सुबह भी बैठे बैठे खा रहे थे। सुबह उठे तो ठीक नहीं लग रहा था, तो वही लेटे हुए ही थे। अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, दवाई वाई खा लिए और अभी ये सब खाएं। और उसके बाद अभी देखो हमारे दीदी लोग अभी सुबह सुबह गए थे, सावित्री दी और जीजा जी, और जाके मार्केट से आ रहे ये सब फ्रूट वगैरह लेके आए हैं, हरा हरा सब्जी और ये सब देखिए फ्रूट वगैरह जैसे कि आते देखिए 1 किलो ये भी पर ला दिए हैं, यही सब खा रहे। हजली के लिए भी बेटर है क्योंकि उनको भी एप्पल खाने बोला है, और हमारे भी थोड़ा सब डाउन हो रही, लेकिन दीदी आने के बाद थोड़ी से पहले से ठीक है। और अभी देखिएगा हमारा दीदी लोग जीजाजी बाप रे इतना पैसा तो कहाँ मिला रे, इतना पैसा कहाँ मिला रे, कौन सा डाका डाल के आया है लूटो, इतना डाका कहाँ से लाए, समझ में नहीं आ रहा, घर में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, पैसा निकाल के अपना काम चला सीमेंट वाला दुकान में बाकी है 500 तो वही सब, अरे दुकान में देना है इसलिए पैसा लाए हुए थे। हाँ क्या, हाँ हम समेट के बता देते हैं, वही वाला सीमेंट वाला दुकान। अरे हमारा भी प्रॉब्लम चल रहा है रे, 10,000 रख लेके रख लो, रख लो ना जितना अभी होगा इसमें 4-5 लाख रुपए है। दस महीने में गलती ना, अभी 20,000 2,000 का नोट ही कितना अभी देखो ना, 20,000 100 का नोट होगा शायद, हमको लग रहा है उसी पे 100 का नोट है ना, यहाँ 100 का नोट होगा, 20,000 2,000 का रे, ये वाला पूरा 100 का नोट है। हाँ तो तुम कुछ रख लो कुछ नोट, ठीक है हमको जाप पता है सब जी दोस्तों, वो सब नकली नोट है, लेकिन तुम्हारे जीजा जी और हमने ढूंढ के निकला, हम लोग सोचे असली पैसा है, वाह पूरा अमीर हो गया ना, ये सब नकली है, नकली है सब, बस बच्चे खेलने के लिए है सब, कूपन लिखा हुआ देखो ना क्या लिखा है, आपका भी नकली पैसा दुकान में चला है, भारतीय चिल्ड्रन बैग, ये चिल्ड्रन बैग में ही जमा होगा। सुनो तुम्हारे भाई करोल, जब कमारी थी छोटी सी नटखट सी, जब इसका ड्रम उसका ड्रम उठा के घर ले आती थी, तब 100 रुपया चला दिए नकली वाला वो 1 रुपए में लॉटरी नकली पैसा मिलता था, वही वाला हम खेल के आए तो 100 रुपए उठ गया, तो बोले ये तो पैसे भी बेकार जा रहे हैं, इससे बढ़िया जो भीड़ दुकान है उसमें जाके चला दो। अरे ऐसे करके नोट दिए थे कैसा रे, वैसे ऐसे नॉर्मल ऐसे दिए थे, ज्यादा मोड़ते तो दुकान वाला शक हो जाता, बच्चा थे तो इसीलिए ऐसे दिए, तो रख लिया। ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अरे बचपन में बच्चे बहुत कुछ करते हैं बड़ा, लेकिन फिर भी लेकिन अभी ये सबको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नकली नोट को गैर कानूनी है, समझा बाबू, यदि हो गया ना तो अच्छा खासा पकड़ाएगा और अच्छा खासा केस भी बन जाएगा। दीदी कैसा लग रहा पैसा गिन के, हमको तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग एक बात बोले दोस्तों ये मेरा, मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं किया, हम हमारे जितने बच्चे, ये दीदी भी कम चोर नहीं है, ये भी चोरी की है, मैं भी चोरी की हूँ, और बहुत बड़ी चोरी करते थे, क्या चोरी करते, डेली चोरी करते थे, क्या पता है कोयला और सब्जी कहाँ से पता है, अपने घर से चोरी करके एक बगल वाले दीदी लोग का घर था वहाँ पर देते। और दोस्तों हमारे मम्मी पता है कुप में पैसा रखते थे, और पैसा हमेशा मैं हमेशा निकालता था लकड़ी देके, ब्लेम एक बार ही निकाले थे, उसके बाद हमेशा इसी को ब्लेम चढ़ गया कि यही पैसा निकालता था, और मैंने कभी बोला ही नहीं कौन पैसा निकालता था, और मैं ही हमेशा जब भी लगता था 5 रुपया जाके निकाल लेता था। हमारी चोरी करने का कारण ये था कि हमें 1 रुपया देखने के लिए भी हम लोगों के लिए सोना था उस टाइम, और मेरी मम्मी कमा के लाती थी 15-25 रुपया, और उनमें से 5 रुपया वो कुप में डालती थी, उस टाइम 25 रुपया झोड़ा कोयला बेचती थी वो, ठीक है, और वो पैसा हम लोग चोरी करते थे क्योंकि हम लोग को कभी ऐसे खाने कोई मेहमान आता था वो भी नहीं देता था, हम लोग मेहमान कोई आते थे ना हम लोग इंतजार करते थे, काश कोई हमारे, नहीं काश कोई हमारे मेहमान आए घर में, कोई कोई मिठाई वगैरह कुछ लाए, कुछ मतलब होता है ना दे, हमारे घर में उस टाइम कोई मेहमान ही नहीं आता था। पापा की क्या ये नहीं है रिश्तेदार इधर का है, लेकिन हमारे घर नहीं घुसते थे, हमारे घर में कंडीशन ठीक नहीं थी इसीलिए नहीं आते थे, पर मान सम्मान पापा नहीं कर पाते थे तो क्या बच्चों को क्या देंगे। और हमेशा मेरा दिमाग में ये चलता था भाई कोई काश हमारे घर में ऐसे गाड़ी वाला बाइक वाला कोई मेहमान आए, बाइक वाला मेहमान आए हमारे घर में, और जब पहली बार जब हाँ पहली बार जब सुने कि सरस्वती दी गई जिनका शादी हो रहा है जिनसे उनका घर में बाइक है जीजाजी का, तो सुन के हम तो पूरा अंदर अंदर पूरा खुश हो गए, पहली बार कोई हमारा घर का मेहमान का बाइक वाला आया,
है ना, सोना चलाएबो किया था गाड़ी? एक बार चलाएबो किए थे, गिराया था उसके बाद तो उतरा के सामने आके वही टर्निंग था, टर्निंग घूम रहा तब तक जाके दीवार के सामने जाके खड़ाक से लेट गया, मतलब लेट गया था गाड़ी। और आनंद फारन में लेके आए हम गाड़ी को, डर गया था पूरा, और चाबी खोलना ही बंद छोड़ दिए, मतलब खोले उठाए खोले ही नहीं, वैसे छोड़ दिया गली में खड़ा करके अंदर घुस गए। और उसके बाद कोई पर्सन आया हमारा घर, आया था कोई पापा का दोस्त था, उन लोग के साथ उठना बैठना होता था पापा के साथ, तो वो आए थे यार, वो कहा कि चाबी खोल लिया और अपने साथ रख लिया है, छुपा लिया है। और अब हम इधर चाबी पूरा खोजे जो परेशान है, क्या हुआ क्या रहा, पूरा जगह ढूंढने लगे। लास्ट में बोला बोले ठीक है उसके बदले में कुछ तुमको देना पड़ेगा तभी देंगे, तो फिर उसको दिए, तब जाके वो चाबी खोल के चाबी ले आया घर तरफ, गली से अंदर घुस रहा, देखा चाबी खुला हुआ लगा ही हुआ है तो ले आया। और हम डर के मारे क्या करें क्या नहीं, वैसे वाला सीन हो गया था। अब देखिए हद, पूरा पैसा एकदम बाप रे, इतना पैसा जब सही में मिलता रहे तो हमारा जितना भी दूर हो जाती। अभी जो हमारा घर बना है जितना भी है उधारी वगैरह है सब कम्प्लीट। हाँ मतलब जितना भी सिचुएशन में हम लोग है ना कि भाई तो बोल नहीं पाएगा, मुझे अगर आजादी मिलती तो मैं तो फाड़ के रख देती, क्योंकि हमारे ऊपर ऐसे कुछ हो रहा है कि क्या बोले, बहुत गलत कर रहा है जिसको हमने साथ दिया। आज क्या बोला जमा कर दो। और वही दोस्तों अभी देखिए हमारे घर में खुद का अपना इतना सारा गाड़ी खड़ा कर दिया आप लोग का प्यार और आशीर्वाद से और हमारी अपनी मेहनत से। अभी इतने सारे गाड़ी लोग ऐसे ऐसे गाड़ी देखने को मिलता है जो कभी सपने भी नहीं सोचते या सोचते कि अरे भाई कभी आएगा ऐसे ऐसे भी गाड़ी आके हमारे घर के दरवाजे पे आके खड़े होते हैं। मत हो, सब ठीक होगा, हम सब तुम्हारे साथ है, भोलेनाथ की कृपा है। और दोस्तों आप लोग को छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ, दोस्ती बनाइए, दोस्ती के बीच कभी पैसा मत लाइए, घर आपका टूट जाता है। चलो दोस्तों अभी खाना वगैरह खा लेते हैं, अभी देखते हैं क्या क्या बना। चटनी सिर्फ बना है, सब्जी कुछ बना नहीं, तो कोई नहीं खाएगा तो और को? नहीं खाने का हम अकेले नहीं खा पाए, मतलब हो जाए खा भी। इधर हमारा माड़ भात हो चुका है, टमाटर का चटनी मैंने बोला वही बनाया। और ये जो लौकी काट के रखा है उसको दाल में मिक्स करेगा, दाल में मिक्स करेगा। तो कुछ खाएगा कि नहीं? तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान, कुछ लाने का था, क्या क्या बोला हम भूल गए। हमारा दीदी और जीजा जी दोनों मिलके खा बना रहे हैं, खा बन क्या रहा है? मूली का पराठे। मूली के पराठे, अब मूली खा और गैस छोड़ो ना मूली कच्चा खाएगा तो गैस छोड़ेगा, पका के खा आधा पक जाएगा। अभी वैसे मूली छिल गए थे, धनिया वो क्या क्या खाना पड़ेगा हमको पता नहीं। अच्छा क्या क्या बोला था? दही लिया ना और ये लिया ना मूंगफली ना छिला हुआ। ठीक है अच्छा भैया दोस्तों मैं जाता हूँ जल्दी से लेके आता हूँ, दीदी क्या बनाएगा पता नहीं, बोले घर गांव ले जाएंगे वहाँ पर काम। अकेले जा रहा था तो फिर मेरे भगनी भी जा रही है साथ पे हेल्प करने के लिए मामा जी को। फोर व्हीलर नीचे है, बाइक यहाँ है, फोर व्हीलर नीचे है, नीचे ग्राउंड में। और नीचे? हाँ चलो दोस्तों चलते हम लोग दोनों को। पकड़ के चलिए, लिया मूंगफली लेना है और डायरेक्ट हम घर निकल। लास्ट में हमारा मूंगफली भी लेना हो गया, इसका अच्छा से रखिए और अभी हम लोग चलिए। लोरे दैत्रे वही रहे खाना इधर से खाना वगैरह सारा रेडी हो चुका है, आप लपक के खाने से ही होगा। देखिए दोस्तों स्वादिष्ट हमारा इधर से खाना बन चुका है। आ हा इधर वो देखिए पूछिए बहन को कैसे लगा, कैसा लगा क्या ना मूली का पराठा? अरे आप अच्छा लगा ना, डायरेक्ट है आप क्यों बोल रहे हैं कि अच्छा लगा ना, आप बोले कैसा लगा पहले ये क्वेश्चन है। डायरेक्ट उसको पता है जब रेसिपी कुछ ऐसे टेस्टी बनाते हैं बहुत टेस्टी, उससे पहले मैं इनसे पूछ रही कैसा बना है, ये खुद बनाते हैं, मैं पूछती कैसे बना, मस्त बना जबरदस्त बना सच में अच्छा बनाता है। नहीं वो सही बात है लेकिन अपने से कभी तारीफ नहीं किया। लेकिन हमारे गणेश जी ब्रो कैसा है आप चेक कर देख लीजिए, ऐसे बोलना चाहिए आप खुद पहले। पहले मैं आपको अपने हाथों से आपका बनाया वो बनाया। पुदीना चटनी आप कभी नहीं बनाते, वही धनिया पत्ता की चटनी ऐसे वाले नहीं बनाते। मैं ऐसे नहीं बनाता। कैसे बनाते हैं तो भैया? अच्छा है ना, हम लोग ऐसे बनाते हैं। टमाटर डालते हैं,
कुछ नहीं, बेचारे के मुंह में पानी आ रहा है। इसको देखो, इसको बोला हमारा देखो और पूछा भी नहीं। दो दो सबको, दो दो बांट दो, बांट दो सबको, बांट। मेरी बेटी है ना, भारी बेइज्जती को फाड़ी छिड़े को इधर पतरी लगे बैठा और दे बाबा के नाम पे कुछ दे दे। तू आज ऊपर बैठे तो बैठ जा, नहीं खाना है, बताऊं सच खाना, नीचे नीचे बैठ के खाना चाहिए। तो चलो दोस्त, अच्छा लगा ना? अभी तो ये सब्जी बाकी है, सलाद इधर है, धनिया, सलाद 1 किलो जैसा काट दिया, आधा किलो जैसा बा सलाद ऐसे लोगे तो लेता ही। तो चलो दोस्तों खाना पीना खा लेते हैं मस्त सा और फिर हम लोग मिलते हैं। चलो दोस्तों आज का वीडियो यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय 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 बाय, टाटा।